नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। कोरोना क्राइसिस में भी एप्पल कैमी ने ग्रोथ परफॉर्मेंस सर्वश्रेष्ठ किया। मिस्टर विवेक नाइक, एमडी एप्पल कैमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एप्पल कैमी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन और सप्लाई लेवल बेहतरीन है। एप्पल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होने से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर भी ज्यादा फोकस किया जाता है। इनके प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट हाउसिंग व गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। सरकार ने लॉकडाउन के दरमियान भी रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे थे। विदर्भ के उद्योजक देश में इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं डेली न्यूज 9 की एक खास रिपोर्ट। सरकार ने लॉकडाउन के दरमियान भी रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे थे। विदर्भ के उद्योजक देश में इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी है, डर का माहौल रहता है। कोरोना का इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा है। इंडस्ट्रीज को लगने वाला रॉ मटेरियल, लेबर्स और ट्रांसपोर्टेशन पर भी काफ़ी फर्क पड़ा है। इंडस्ट्रीज ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आने वाले चैलेंजेस को फेस किया है। कोविड संकट में एप्पल केमी ने स्टाफ को सैलरी, कोरोना सहायता राशि भी दी है। इस वक्त हमारे समक्ष है एप्पल केमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मिस्टर विवेक नाइक सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल बेल्ट में पर्टिकुलरली अभी देखा गया अपना एमआईडीसी बूटी बोरी जहाँ आपकी इंडस्ट्री सेटअप है, किस तरह का एटमोसफियर है, किस तरह के सीनेरो है, किस तरह के प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है, उस बारे में आप बताइए। फर्स्टली मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके साथ और आपके जो भी व्यूअर्स है उनके साथ में मेरे व्यू शेयर करने के लिए। यदि आप कहते हो कि किस प्रकार का वातावरण है, तो वातावरण ये एक बाहरी हिस्सा माना जाएगा साइकोलॉजी की दृष्टि से, और आप किस नज़रिए से देखते हो आज थोड़ा सा, यस एक बात कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कोरोना और ये वगैरह थोड़ा सा अनप्लेजेंट और नॉन प्रोडक्टिव ऐसा ये हो गया, मगर ये सिचुएशन में हमें बाहर निकलने के लिए ऐसे कोई मना नहीं कर रहा है। वातावरण खुद का आदमी खुद क्रिएट कर लेता है, तो वातावरण तो जनरल बहुत अच्छा नहीं है, ये वास्तविकता है, मगर आप ये वास्तविकता के और किस तरीके से देखते हो इस पर मेरा ज़्यादा ये रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये वातावरण है चैलेंज का वातावरण, ये आई हुई सिचुएशन है, और ये सिचुएशन को उस नज़रे से यदि हम देखते हैं कि यस आज रॉ मटेरियल्स आने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, वर्कर्स को प्रॉब्लम है तो वर्कर्स कभी कम आ रहे हैं, ऑर्डर्स कभी कम ज़्यादा हो रही है, इन एडिशन टू दैट गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए कोरोना के नियम पालन करते हुए अपने को काम करना है, तो ये चैलेंजिंग वातावरण है। तो इसमें आप जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो, यदि आप ये मान लेते हो कि ये सब हमारे पास में चैलेंजेस है, समस्याएं हैं, और इसको हम कैसे फेस करें, तो आपके पास में हल हो सकता है। और मैं ये इसकी तरफ सिर्फ हल्के ही दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि मैंने हमारी इंडस्ट्री देखी है, मेरे साथ में बाकी के भी काफ़ी सारे है इंडस्ट्री। आज बूटीबोरी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बाजू में कर्मेश्वर है और अपना उपलवाड़ी है हमारी, तो इतने सारे बेल्ट है नागपुर के आजू बाजू में, काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। थोड़ा चैलेंजिंग वातावरण जरूर है, मगर उसकी तरफ देखने का नज़र थोड़ा अलग होना चाहिए समझ को। देखिए, कोरोना ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम था, सबका चैलेंज था, ऑब्वियसली इंडिया का भी था और अपने यहाँ नागपुर में भी था। तो ये चैलेंज को हमने एक ऐसा एक इसके तरफ देखा कि भाई अपने पास में आज वर्कर्स है, तो हमने सभी वर्कर्स को बात किए, सबको बुलाया, सबसे बात करके, फ़ोन है सबके पास में, वीडियोस है कि भाई आपके घर में कोई दिक्कत है क्या, किसी के में भी घर में दिक्कत यदि आई है तो हम उसको सुविधा पहुँचाने की कोशिश किए। हमने पूरे इसमें कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय, किसी की भी सैलरी नहीं काटी, किसी के पगार कम नहीं किए, और बल्कि हम उनको सुविधा, जिनको कोरोना कभी हुआ है, ऐसे ऑफिस में भी कुछ लोग थे, उनके फैमिलीज में भी कभी कभी हो गया, तो हमने सब लोगों की मेडिकल केयर लिए, हद तक हमने उनको पैसे पहुंचवाए, और उनके घर में भी जो भी कुछ आपत्तियाँ आई उसको हमने सुविधा ही दिए।
हमें पता था कि भाई 15-20 दिन एक 2 महीने की जो चैलेंज है वो अपने को ये करना है। तो हमने वो 15-20 दिन या 1 महीना जितना गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई टोटल बंद, फाइन टोटल बंद, तो हम सबसे बात करते रहे। हमारे यहाँ हम HR में हमने सबसे वीडियो मीटिंग्स करवाई, तो मेरे पास में, मैं घर में था, सभी मेरा स्टाफ घर में था, मगर 50 लोग मेरे साथ में बात कर रहे थे। हमने ऑफिस घर में बैठे से लोग, उनको मेंटली तकलीफ हो रही थी, तो मैंने ऑफिस के स्टाफ के जितने भी स्टाफ है, उनके बच्चे हैं, उनकी छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी ड्राइंग कंपटीशन करवाई, सिंगिंग कंपटीशन करवाई, ताकि उनका पूरा हौसला बना रहे। और ये करने के बाद इवन वर्कर्स लोगों से हमने सबसे बात की। जिस दिन हमारे पास में वर्कर्स आए, हमने उनको सबसे पहले प्रोटोकॉल देना चालू किया कोविड में कैसा है। मेरे ख्याल से हमारी पहली इंडस्ट्री है नागपुर में जिसमें हमने कोविड फ्री का सर्टिफिकेट देना चालू किया। गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, मगर हमने अपने प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए। आया हुआ हर एक मटेरियल, हर एक ट्रक हमने उसको सैनिटाइज किया, उसका प्रोसेस में हम पूरी केयर लिया, और जाते वक्त हमने पूरा ये करके दिया। और मेरे मटेरियल के ऊपर में एक सर्टिफिकेट हमने छपाया, हमारे खुद का सर्टिफिकेट था वो, कि वी हियर बाय सर्टिफाई दैट वी हैव फॉलोड ऑल द कोविड नॉर्म्स और ये कोविड फ्री प्रोडक्ट है और अभी इसमें कोई समस्या नहीं, ताकि लोगों को भय न लगे इस सिचुएशन का। सो वी हैव ट्राइड टू रिमूव दैट फियर फ्रॉम द माइंड ऑफ जनरल। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव हुई या नहीं हुई, जो हम बोलते हैं, इट इज नॉर्मली रिलेटेड टू फाइनेंसेस। कोई कंपनी यदि सर्वाइव नहीं कर रही है, इसका मतलब है उनके पास में फंड्स कम हो गए हैं टू रन द कंपनी सेटिस्फैक्टरी। फॉर्चुनेटली हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट करते हैं, और हमने इन केस ऑफ क्राइसिस ऑल्सो खुद के पैसे डाल करके ये कंपनी, ऐसा कोई इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं हुई थी, क्योंकि वी आर रनिंग अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो इट वॉज अ शॉर्ट टाइम ऑफ मैक्सिमम 30-45 डेज, तो उसमें सर्वाइवल वॉज नॉट अ ग्रेट चैलेंज मेरे हिसाब से। तो एक हो सकता है कि माई इंडस्ट्री इज नॉट हाईली लेबर इंटेंसिव, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी बेस, हमारा R&D सेक्शन है टेक्नोलॉजी बेस, हमारे वर्कफोर्स कंपेरेटिवली कम है, 30-40 वर्कर सिर्फ है, बाकी का हमारा मशीन के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंडेंस है। और वही मैं जो आपको पहले भी बताया कि वर्कर्स को फुल सपोर्ट करना और ये था। और यदि आप सर्वाइवल कहते हो, तो इन द केस ऑफ सर्वाइवल आपकी इनफ्लोज शुड बी देयर। फॉर्चुनेटली हमारे जितने भी केमिकल्स है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को चल रहे हैं, राइट? और गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कभी भी बंद नहीं किए, स्पेशली रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, ये काम चल रहे थे। थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए हुए होंगे 10-15 दिन, बट टोटल स्टॉप वॉज नॉट देयर। तो दैट वॉज अवर फॉर्चुनेट पार्ट, कि वी आर अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। हाउसिंग ऑल्सो चालू था, तो वी वेयर गेटिंग द ऑर्डर्स। और जब गवर्नमेंट ने खुद ही ये नीति अपना ली थी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये चलेंगे, तो मेरे हर एक ऑर्डर के लिए मैं वहाँ से सर्टिफिकेट ले लेता था कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इवन हायर अप अथॉरिटी से, कि दिस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द इमरजेंसी पर्पज और प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। लाइक अभी हम मुंबई में सप्लाई करते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग, गवर्नमेंट लो कॉस्ट हाउसिंग कहीं पर भी नहीं रोका करोना काल। हम काफ़ी बड़े सिडको, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन जारी है, तो मेरे पास में मैं उनसे लेटर मंगा लेता था, डिस्पैच के वक्त ट्रक के ऊपर में मैं वो चिपका देता था कि दिस प्रोडक्ट इज गोइंग इन फॉर द इमरजेंसी वर्क एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रायोरिटी वर्क। सो ऑल्सो सिमिलर वॉज द सम ऑफ द एक्सपोर्ट्स वी आर डूइंग, तो वी वेर डूइंग इट। उसमें हमने कम्युनिकेशन अच्छा रखा मेरे टीम ने, मेरे पूरे ऑफिस के लोग थे वो फोकस थे उसके ऊपर, तो आई फील इट वॉज अ प्रॉपर टीम वर्क फ्रॉम अवर साइड। वेन वी रीच एवरी प्लेस इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिक्वेस्टेड देम टू गिव सच लेटर्स, उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेशन दिया, इसलिए हमारा काम चलते रहा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जितना 100% चलता रहा, तो हमारा भी फर्स्ट Q1 लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर जो था, इट वॉज हिट, वी कुड डू हार्डली 40-50%, बट वी वेर नॉट टोटली डाउन। नेक्स्ट क्वार्टर में हमने मेकअप कर लिया, थर्ड फोर्थ क्वार्टर वॉज ऑलमोस्ट नॉर्मल, सेकेंड वेव में भी ये फर्स्ट क्वार्टर हैम्पर हुआ है, सभी का हैम्पर हुआ, एवरी इंडस्ट्री हैम्पर हुई, सो वी ऑल्सो गॉट हैम्पर्ड।
बट इन द सेकंड क्वार्टर एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल इवन लिटिल मोर देन व्हाट वी डिड लास्ट ईयर. सर ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे ये एट अ ब्रॉडर स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर इसमें स्पेसिफिक यदि आप कहते हो तो हाउसिंग में जाते हैं इंक्लूडिंग लो कॉस्ट हाउसिंग गवर्नमेंट के और प्राइवेट बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं कमर्शियल रहते हैं वहाँ पर जाते हैं. दूसरा जो है हमारा जो रोड्स प्रोजेक्ट स्पेशली कॉन्क्रीट रोड्स के हैं उसमें जाते हैं टनल्स के इसमें जा रहे हैं मेट्रोज जैसे नागपुर मेट्रो पूना मेट्रो फिर हमारा मुंबई मेट्रो मोनोरेल अहमदाबाद में भी कुछ जगह पर गए हैं वहाँ हैं तो समृद्धि मार्ग जो बड़ा प्रोजेक्ट्स है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऑल ओवर इंडिया इवन उसमें दिल्ली तक हम मटेरियल दे रहे हैं इवन चेन्नई में भी इधर दे रहे फिर एयरपोर्ट्स में भी जा रहे हैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट में हम जा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट नागपुर एयरपोर्ट में काफ़ी जगह पर किए. सो दिस इज अनदर सेगमेंट एंड द थर्ड सेगमेंट इज वाटर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्स जो है तो ये आम आदमी को एकदम नज़र में नहीं आते मगर वाटर ट्रीटमेंट के जो स्ट्रक्चर थे एसटीपी डब्ल्यूटीपी उसमें भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं. देखिए आपने सवाल बढ़िया पूछा क्योंकि आपका फोकस विदर्भ के ऊपर था. मैं नागपुर का हूँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप नागपुर तो ऑब्वियसली विदर्भ के लोगों के लिए एफिनिटी और प्रेम मेरा ज़्यादा ही है. विदर्भ डरना नहीं चाहिए कि कोरोना है अभी हमें क्या करूँ ऐसे डरने की कोई एकदम बात नहीं है. हमें ये देखना है कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हर एक की इंडस्ट्री अलग अलग है. हमारे यहाँ विदर्भ में फार्मा के थोड़े बहुत लोग हैं फिर कॉटन के रिलेटेड करते हैं फैब्रिकेटर्स काफ़ी सारे लोग हैं टेक्सटाइल में काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ हैं केमिकल बेल्ट अनफॉर्चुनेटली कम है. ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें.